हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सबसे पहले हमें पट्टे के सूट फटक लेने हैं 15-15 इंची पे, और ये पट्टा आपको 20 इंची चाहिए तो आप 5 इंची कम पे सूट फटकें, जिस पे आपका 5 इंची कॉप निकलेगी तो उतना पट्टा आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने साइड में जो बॉर्डर लेवल किया था वहाँ पे सबसे पहले हैमर से सुराख कर लेने हैं 15-15 इंची दूर पे, 15-12 के बीच में आपको सुराख कर लेने हैं बराबर। और ये हमने सुराख कर लिए सूट के ऊपर, उससे जस्ट थोड़े से ऊपर सुराख करने हैं, और मैं चारों तरफ सुराख कर लिए। सुराख करने के बाद सबसे पहले अब इसमें हम गुल्ली लगा देंगे। अब गुल्ली थोड़ी टाइट रहनी चाहिए तो अपना जो कील जो ठुकेगी एल में वो मजबूती से ठुक जाएगी। और फिर छत पे जो हमें डिजाइन बनानी है, उस डिजाइन जैसे प्लस माइनस में निशान लगाते हैं वैसे ही छत में ऊपर निशान लगा लेने। और फिर उसमें फासनर का सुराख 2.5 फुट दूर पर, एक फासनर से दूसरा फासनर 2.5 फुट दूर पर होने चाहिए। और फिर फासनर को 15 इंची लंबी पत्ती काट के एल उसमें सुराख करने के बाद गुल्ली वाली बिट से हमें फासनर पिना लेने हैं। फासनर पिनाने के बाद में हम लोग अपने फासनर पिना लेंगे जितने फासनर चाहिए, और अब हमारे फासनर तैयार हैं ऊपर लगने के लिए। फिर जो हमने फासनर का सुराख किया है उसमें उसका थोड़ी से ठोंकेंगे, ठोंकने के बाद इसे टामी से कस दिया जाएगा। और टामी से खूब अच्छी तरीके से कस दें क्योंकि इसी पे वजन आने वाला है। इसको कसने के बाद में एक बार इसे चेक कर लेंगे, ये मजबूती से लग गया या नहीं लग गया। फिर हम अपनी एल ठोंक देंगे, उसी गुल्ली जो हमने ठोंकी थी उसमें चारों तरफ एल ठोंकेंगे। इसमें भी आपको पहले से पता है आपने कहाँ सुराख किए हैं, वहाँ पर आपको कील ठोंकनी है। कील बढ़िया करके टाइट करके ठोंक देंगे और सूट से चुपका के एल को, और इसको ठोंकने के बाद में मजबूती से चेक कर लें एक बार। और अब हमारी एल लग के तैयार है। ऐसे आप देख लें चारों तरफ ऐसी ही एल लगनी चाहिए एक लेवल से, बॉर्डर लेवल से। फिर हम लोग एक एल से दूसरे एल में सूत बांध देंगे, और सूत बांधने के बाद में अपना स्केच से निशान ले लेंगे। सारी जो पत्तियाँ लटक रही हैं उन सारी पत्तियों पर निशान लेंगे। और अब हमारा देखिए जाल बन के कम्प्लीट तैयार है। जाल हमेशा इसमें एक क्रॉस से दूसरी क्रॉस की दूरी 15-20 इंच दूरी होनी चाहिए, और जो डिजाइन चाहिए आपको उस डिज़ाइन को पहले जो हमने सुराख करे थे सेम उसी पर टांग देना है मेन लगा के। बस क्रॉस में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, इतना ही ध्यान काफ़ी है कि एक क्रॉस दूसरे क्रॉस से 15-20 इंची पे दूर हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एल पत्ती जो हमने टांगेंगे फासनर पे वो 2.5 फुट के बीच में होने चाहिए। गाइस हमारे